IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कार्यक्रम बिलस्य वाणी न कदापि मिश्रुता। एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। जंगल में बहुत से पशु जैसे शेर, हाथी, सियार आदि पशु सुख से रहते थे। जंगल का शेर बूढ़ा हो गया। वह झपट कर शिकार करने में असमर्थ हो गया था। अपनी असमर्थता के कारण शेर बैठे बैठे सोचता है, अहो गतम मे यौवनम वृद्धत्वात् शिथिलोहम इति अनुभवामि बहु दुःखम् दुर्भरम् इदानीं मे जीवनम्। शेर को असमर्थ देखकर उसे चिढ़ाते हुए मूषक बोला, अरे वनराज, बहु चिंता मग्नो बुभुक्षत इव प्रतियते, गच्छ कमपि जीवं गृहाण। सत्यं बुभुक्षा तु अस्ति। वनराज, समीपे पश्वश्चरन्ति, कमपि गृहाण भक्ष्य च। एवं एवं करवाणि। वनराज, कथं न गृह्णाति समीपस्थम अपि मृगं, किं तव मुखे स्वयमेव पतेत। तिष्ठ मूढ, तिष्ठ, गृह्णामि त्वाम्। शेर को बलहीन देखकर जंगल का घोड़ा उसे चिढ़ाते हुए बोला, वनराज, सांप्रतम निष्क्रियो जातः बुभुक्षितोपि सन् कमपि जीवं न गृह्णाति। अहो, यत्र तत्र गच्छन्तो जीवाः ममोपहासं कुर्वन्ति। समीपे नदी अस्ति, तावत् जलं पिबामि। वनराज, जलं पीत्वा एव जीवनं निर्वहति, बहु दुःखम्। बूढ़े तथा शक्तिहीन शेर को देखकर जंगल का खरगोश भी बोला, वनराज, त्वं तु जर्जरे प्रतियते, इदानीं वयं निर्भयाः विचरिष्यामः। ओहो, संप्राप्तं भोजनम्। अहो, इदानीं मे भोज्यं भविष्यसि, कथं त्वां त्यक्ष्यामि। भूवनराज, पश्य
मकरः आगच्छति। कुत्र अस्ति मकरः? रक्ष माम्। रक्ष माम्। शेर मगरमच्छ को देखने लग जाता है। इस तरह उसकी खरगोश में पकड़ ढीली पड़ जाती है और ढीली पकड़ का लाभ उठाकर खरगोश भाग जाता है। हस्तगतमपि भोजनम विनष्टम्। किम्बम करवाणि? किम्बम करवाणि? शेर की ऐसी अवस्था देखकर गजराज भी कहां चुप रहते। उन्होंने भी चुटकी ली। अहम वनस्पतिम आस्वाद्य सुखे न जीवामि। अये दिवसावसान समय बुभुक्षितो हम धावितुम असमर्थ शांतोस्मि। किं करवाणि? कथम जीवनम चलेत्? एषा गुहा वर्तते, अत्र नूनं कश्चित् सत्त्वः आगमिष्यति, अतः अस्यामेव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि। जंगल में दिन भर घूमने के पश्चात सायंकाल सियार अपनी गुफा में आता है। गुफा के बाहर शेर के पद चिन्हों को देखकर सियार स्तब्ध रह जाता है। ओ, एषा सिंहस्य पद पद्धतिः प्रतीयते। अस्माकं गुहायां नूनमेव सिंहः प्रविष्टः, परं सो बहिः नागतः इति प्रतीयते। अस्तु, सः गुहायाम् अस्ति न वा इति निश्चिनोमि। भो बिल, भो बिल, किं कारणं यदद्य आगतं मां त्वं न आह्वयसि? त्वं तु सदैव मम प्रत्यागमन काले आकारयसि स्म। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहम् अन्यं बिलं गमिष्यामि। ओहो, नूनमेषा गुहा सदैव स्वामिनः आह्वानं करोति। परम् अद्य मद्भयात् किमपि न वदति इति मन्ये। अहमेव एनम् आकारयामि। अहो, गुहायां तु व्याघ्रः पलायताम्, पलायताम्। प्राणान् रक्ष, शीघ्रं दूरं गच्छ। अनागतं यः कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतम्। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतं यः कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतम्। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, बिलस्य वाणी
न कदापि मे श्रुता। बिलस्य वाणी न कदापि मिश्रुता। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी, गिरीश त्रिपाठी, धनश्री, प्रेरणा और डॉक्टर बलदेवानंद सागर। ध्वनिंकन बटिलैंग लिंगडो और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल। निर्माण, निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।